मेधा एक कवि और लेखिका हैं और वो भक्ति वर्सिटी के संस्थापक हैं। उनका जन्म 1974 पटना में हुआ और वो मुजफ्फरपुर में बड़ी हुई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी लिटरेचर में एमफिल किया है। भक्ति वर्सिटी एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से मेधा भारत के विभिन्न भक्ति परंपराओं को उजागर कर रही हैं और लोगों तक ले जा रही हैं। इस समय वो सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो नमस्कार मेधा जी, वेलकम। नमस्कार, नमस्कार रजनी जी। तो ये पूछना था, बचपन से आपकी पहली याददाश्त क्या होगी जब आपने अहिंसा का विचार या उसका अनुभव किया हो या विचार से संपर्क हुआ हो? असल में मैं जब इस सवाल पे सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कोई एक घटना, एक बात नहीं थी, बल्कि वो पूरा का पूरा परिवेश था मेरा जिसने मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अहिंसा को मेरे भीतर डाला। बचपन के शुरुआती 5 साल थे जो उत्तर बिहार के एक गांव में मेरा बीता। मेरी दादी और दादा कबीरपंथी थे और मेरे पिताजी सोशल एक्टिविस्ट थे और पूरे गांव में वो मतलब एक तरह से हमारा रात्रि पाठशाला चलता था, अस्पताल चलता था, कॉलेज के बाद पिताजी वो सब चलाते थे और मेरा बच्चा मन जो इन सब चीजों को में बहुत गहराई से दिलचस्पी लेता था और उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाता था। तो ये पूरा का पूरा जो था एक तरह से ऐसा था जैसे कि प्रेम की चादर पिताजी पूरे गांव पे बिछा रहे हों और उस चादर में मैं भी साथ थी, उस चादर के नीचे मैं भी थी, गांव के बच्चों के साथ, गांव के बूढ़ों के साथ, और साथ में हमारी दादी रहती थी, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी होते थे, जीवन के अनुभव के भी कहानियां होती थी, और उसके साथ साथ एक बिल्ली थी जो माँ हमेशा दादी के साथ रहती थी और जब दादी खाना खाती थी तो बिल्ली पास में ही होती थी। और एक एक बार की बात है कि गांव का कोई आवारा कुत्ता घायल होके आ गया तो पापा ने, पिताजी ने उसकी मरहम पट्टी की और वो पूरे गांव में घूमता था लेकिन रहता था हमारे साथ ही वो। और जब पिताजी रात को शहर से गांव वापस लौटते थे तो वो बांध पे उनका इंतजार करता था और जब बांध से नीचे की और मेरे पिताजी की साइकिल ढलान पे उतरती थी तो वो पहले ही घर जाके दरवाजा खटखटाता था और माँ को बताता था कि वो आ गए हैं। तो ये सारी बातें मतलब एक बच्ची के रूप में मेरे मन में बहुत गहरे उतरते चली गई। और एक बार का वाक्य है कि जब मैं स्कूल से वापस आई तो पता चला कि बिल्ली नहीं रही और उस बिल्ली को मेरे पिताजी ने मेरी जिंदगी की जो पहला दुपट्टा था, एक लड़की छोटी बच्ची को बहुत शौक होता है अपनी ओढ़नी, मेरा अपना ओढ़नी हो या दुपट्टा हो, तो फिरोजी रंग का पहला मेरा दुपट्टा था जो नाना जी ने मुझे दिया था और पिताजी ने उसमें उस बिल्ली को दफना दिया हमारे बागीचे में। तो वो घटना भी मुझे बहुत गहरे तक मुझे महसूस हुई और आज तक याद रहा कि वो बिल्ली कोई मतलब हमारे अस्तित्व से अलग की बात नहीं थी, तभी वो अपनी सबसे प्यारी प्यारी बिटिया के सबसे प्यारी चीज में उसको दफना रहे थे। तो ये सारा का सारी की सारी बातें और मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा वो तुलसी का पत्ता ही होता है। आज जब मैं इसके अर्थ खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि जिसमें भी जो भी लाइव चीज है, जिसमें भी प्राण है, और अगर हम बहुत सबसे नजदीक की बात करें तो जो सारे के सारे इंसान हैं, वो सारे के सारे इंसान चाहे वो किसी भी तरह से दुनिया में छोटी छोटाई और बड़ा का एक जो पैमाना बना दिया गया हो, कसौटी बना दी गई हो, लेकिन सब है इंसान ही और उससे आगे हम बढ़ के बात कहें तो सब है प्राणी, सब में प्राण है और सब में वही जो है ईश्वर है, तो किससे भेद करना है और तब फिर अहिंसा का सवाल कहाँ से होता है। तो ऐसे ही कुछ परिवेश में मैंने अहिंसा को अपने भीतर पाया। बड़े होकर जब आपने मतलब मानिए कॉलेज तक पहुंच गई और आपने अपनी एडल्ट जिंदगी शुरू की
तो उसमें अहिंसा का सवाल या हिंसा दोनों, वायलेंस नॉन वायलेंस दोनों के विषय में आपका क्या अनुभव रहा और क्या आपका अपना विचार बना एक एक एडल्ट के रूप में? असल में विचारों की यात्रा की बात करें तो बहुत तरह की विविधता भरी यात्रा रही और अनुभवों की भी यात्रा रही। बिहार से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मैंने ज्वाइन किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ज्ञान के जो विभिन्न इलाके थे उनमें जाना हुआ, लेकिन मतलब मुझे ये बात महसूस हुई कि विचारधारा जब मतलब कोई भी चाहे कोई संप्रदाय हो चाहे कोई विचारधारा हो, जब वो बहुत रिजिड हो जाते हैं तो एक तरह से वो हिंसा का गढ़ बन जाते हैं। तो चाहे वो कितनी भी सदाशयता से कितना भी सुंदर स्वप्न लेके वो विचार पैदा क्यों ना हुआ हो, चाहे वो संप्रदाय क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन वो अंततः फिर हिंसा का ही अखाड़ा बन जाता है। और मैंने बड़े बड़े जो हमारा जो ये पूरा आधुनिक ज्ञान परंपरा है और उसका जो पूरा सिस्टम है उसमें अंतर्निहित हिंसा को बहुत भीतर से महसूस किया। और मुझे लगा कि वो इंसान के भीतर जो एक मतलब नैसर्गिक ज्ञान पैदा करने की जो क्षमता होती है, उसकी जो सहजता होती है ना, उसको बुरी तरह से क्रश करते हैं, उसको बुरी तरह से रौंद डालते हैं। और जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा ना आपका, जितना बड़ा मतलब एक तरह से विद्वता का गढ़ होगा ना, वहां हिंसा उतनी ही ज्यादा होगी। और ये हिंसा, इस हिंसा की बात तो मैं कहती हूँ कि ये तो मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशनल हिंसा है जो कि उसकी मतलब पूरी संस्था की बनावट के भीतर है, बहुत सूक्ष्म है। और उसके बाद फिर जो लोगों के भीतर ज्ञान के कारण जो एरोगेंस आ जाता है उसकी हिंसा है, वो अलग है। फिर हमारे समाज में जो जेंडर की, जाति की, धर्म की, वो सारी की सारी चीजें। तो कुल मिलाकर बात यही होती है कि हम प्रेम से शुरुआत करते हैं, हम सत्य और अहिंसा की शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ अहिंसा और सत्य की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती होगी, जहाँ भी ये कोर्सेज है वहाँ भी बहुत गहरी हिंसा होगी। तो ये बात धीरे धीरे अनफोल्ड होती रही मेरे मन में और मैं कई तरह की विचारधाराओं से बहुत निकट से जुड़ी रही। पिताजी मेरे समाजवादी रहे, फिर मार्क्सवादी रहे, तो वो सारा वातावरण रहा। तो लेकिन जेएनयू में पढ़ने का एक असर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोमल मन जो है ना, सब चीजों से बेचैन होता रहा और लगता रहा कि नहीं, ये तो सही नहीं है। चाहे आप कितनी बड़ी भी बात कर दे, लेकिन जीवन में अगर आपके अहिंसा नहीं है, और अहिंसा कैसे आएगा, अहिंसा को प्राप्त करने का जरिया क्या होगा? तो ये सारे सवाल मन में मतलब गहरे पैठते रहे। और एक एक चीज को जो नेति नेति वाला होता है ना सवाल, तो फिर मैंने अपनी एक एक करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना शुरू किया कि हमको एक बड़ा पत्रकार बनना है। पत्रकारिता में गई, मेन स्ट्रीम पत्रकारिता मैंने की, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ ना तो रचनात्मकता के लिए जगह है और ना ही हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं। और कोई भी परिवर्तन संभव तभी है जब उसका रास्ता जो है वो अहिंसा पे आधारित होगा। तो बड़े पत्रकार होने का स्वप्न, एकेडमिशियन होने का, एक बड़ा एकेडमिशियन होने का स्वप्न, धीरे धीरे करके अपनी सारी आइडेंटिटीज को मैं ड्रॉप करती चली गई, फेमिनिस्ट होने का और सब। तो फिर लगता रहा कि ये सब जो भी है ये पड़ाव हो सकता है आपकी प्रगति के लिए। आप जीवन में जहाँ पे खड़े हैं उस समय वो चीज आपको आपके चेतना का विस्तार करता है, लेकिन उससे चिपक नहीं जाना है। उससे चिपकेंगे तो फिर हम वही हो जाएंगे, हमको जहाँ पहुंचना है हम वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो धीरे धीरे मैंने बहुत सायास तरीके से दो काम करने की कोशिश की। एक तो अपने अहंकार को छोड़ने की मतलब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करती रही, और दूसरा कि सांसारिक रूप से जिसको सफलता कहा जाता है कि ऐसा करोगे तभी, और एक एक तरह से स्वीकार्यता का कि भाई हमारे एकेडमिशियन है तो एकेडमिशियन हमें अच्छा माने, पत्रकारिता का क्षेत्र है तो पत्रकार हमें। तो ये सब जो चीजें थी इसको धीरे धीरे ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद भक्ति का भाव मैं कह सकती हूँ कि दादी का संसर्ग जो रहा, दादी के साथ जो बचपन के दिन बीते ना,
तो बहुत अबोध मन था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने ही वो बीज मेरे भीतर डाले। जब वो सबरी के गीत गाती थी और सबरी की कहानी सुनाती थी, और सबरी बहुत मतलब मुसहर संप्रदाय के बहुत बड़े राजा की बेटी होती है, और मुझे अब मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, काश मैं थोड़ी बड़ी होती तो उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट कर पाती। तो हल्की हल्की एकदम मेमोरी है, बहुत अच्छी याद नहीं है, बहुत छोटी थी मैं। तो वो जब निकलती थी बाहर तो धूप में होने लगती थी, और कुछ कुछ बहुत सुंदर कहानी थी, और कैसे वो सबरी बन जाती है, तो उसके बहुत सारे गीत गाती थी माँ दादी मेरी, और बहुत शंकर पार्वती के और सबके गीत गाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो था वो बहुत सेकुलर था, वो बहुत मतलब कबीरपंथी होने के कारण शायद, लेकिन बहुत सगुन भी थी वो। मतलब एक जो सौंदर्य है भक्ति का, उस भक्ति के सौंदर्य का सेलिब्रेशन मैंने अपनी दादी से सीखा। इतनी तरह तरह के गीत वो गाती थी, मतलब राम ने सीता को पहली बार देखा उस भाव के वाटिका में देखा, कितने सारे गीत थे, और मतलब शंकर और पार्वती के प्रेम के कितने सारे भजन वो गाती थी। तो दादी ने वो बीज डाला, और फिर उसके बाद जब विचारों के गढ़ में रहना शुरू किया तो उसको भक्ति को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जो कि बहुत मददगार हुआ। लेकिन फिर उस समय भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये कुछ अधूरा है, कहानी पूरी नहीं हुई। भक्ति वर्सिटी की शुरुआत के बारे में फिर बताइए कि वो इस जर्नी में कैसे, इस यात्रा में भक्ति वर्सिटी कैसे आई, और उसके बारे में बताइए। हाँ, असल में जो मैं कहूँ कि बहुत बहुत अहम बदलाव जो हमारे जीवन में आया, वो आया, मैं मतलब बहुत कृतज्ञता के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हम जेएनयू में पढ़ते थे, काफी रैशनल माइंडसेट में रहते थे और काफी विचारों की दुनिया में और बौद्धिकता में खोए रहते थे। अब मेरा एमफिल का काम जो है वो भक्ति मूवमेंट पे ही है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल प्योरली फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से काम है। तो फिर हमारे जीवन में बिटिया का आना हुआ। जब बेटी का जन्म हुआ तो हम लोग बहुत शिक्षा को लेके बहुत ही सजग पेरेंट्स थे, तो हमें लगता था कौन सा स्कूल ऐसा होगा जो कि मेरी बिटिया को मतलब खुशी दे सके। तो श्री अरविंदो सोसाइटी के प्ले स्कूल में जाना हुआ, तो वहां पे श्री अरविंद के इंटीग्रल एजुकेशन को लेके हम लोग एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते या उसमें दिलचस्पी रहने रखने के नाते उनके इंटीग्रल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा हम प्रभावित हुए। लेकिन तभी मैं अपने मन को समझाती थी कि इनका ये बहुत अच्छा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि संयोग बस हमारा वहां पे एक मास कम्युनिकेशन का भी इंस्टीट्यूट चलता था, तो वहां मुझे पढ़ाने का अवसर मिला हिंदी जर्नलिज्म। तो फिर उसके बाद पौंडीचेरी जाने का अवसर मिला, और पौंडीचेरी जाना एक तरह से टर्निंग पॉइंट हुआ, और वहां जाके कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ ये जो है वो नाकाफी है और कुछ अलग तरह से सोचने की जरूरत है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वहां से मतलब प्रत्यक्ष रूप से एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। मतलब दादी के साथ होना और सारी बातों के साथ होना वो लगातार चलता रहा, लेकिन वहां से एक प्रत्यक्ष यात्रा हुई। जब मैंने खुद भी एक्नॉलेज किया कि ये सब मेरी ये सब यात्राएं तो सिर्फ यहाँ तक पहुंचने का माध्यम बन गई, तो वो एक यात्रा बहुत अहम रही। और फिर उसके बाद एक मतलब ये मतलब अलग अलग बहुत तरह के मोड़ आए जिंदगी में। फिर अचानक से मेरे हस्बैंड का चला जाना हुआ एक्टिव पॉलिटिक्स में, और उस अन्ना आंदोलन के दौरान मेरी भी बहुत सक्रियता रही, और वो मतलब लगभग 7 साल जो है वो काफी वो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ के वो विधायक हो गए, और फिर तो वो एक अलग जिंदगी बिल्कुल हो गई। उसकी इतनी आपाधापी और उसकी मतलब राजनीति इतनी बड़ी चीज है, चुनावी राजनीति, और उसका जो असर है वो मेरे मन पे बहुत गहरा होने लगा। गहरा इन द सेंस कि मैं तड़पने लगी, बेचैनी होने लगी कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब क्योंकि चुनावी राजनीति और उसके तौर तरीके और वो सब कुछ बहुत अलग किस्म का था, और एक तरह से कहें कि हमारा परिवार भी बिल्कुल बदल गया क्योंकि समय नहीं था, और
राजनीति को आप जब 24 घंटे आप एक सेवा के भाव से रहते हैं तो आपको फिर आप उसमें घुस जाते हैं तो फिर आपके पास किसी भी बात के लिए स्पेस नहीं होता है। तो फिर उस अनुभव को भी मैंने देखा कि जो राजनीति जो है वो एक तरह से आपके हाथ से बाहर भी कई बार हो जाती है, और इसने राजनीति में ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से सिखाया कि हम जो जितनी भी एक्टिविज्म की बात करें, सामाजिक आंदोलन की बात करें, राजनीतिक आंदोलन की बात करें, चाहे वैकल्पिक राजनीति की बात करें, चाहे हम चुनावी राजनीति की बात करें, उन सब की सफलता जो है सिर्फ एक ही बात पे निर्भर करती है, वो बात ये है कि मनुष्य का निर्माण। तो हमारा जो इतिहास है वो बार बार दोहराया जा रहा है और बार बार उसी असफलता का सामना करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि हमने मतलब इंसान बनाना नहीं सीखा, और वो इंसान बनाना कहाँ से सीखना हुआ? एक गांधी के बनने से नहीं हो सकता है। अगर हम एक केवल गांधी की बात करें तो अंततः जाके गांधी को भी कहीं ना कहीं हार माननी पड़ती है और उनको समझौता करना पड़ता है। भले उन्होंने अपने व्यक्तित्व और निजी जिंदगी से नहीं किया हो, लेकिन बड़े राजनीतिक फलक पे बहुत सारी चीजें प्रभावी हो जाती है ना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, तो यात्रा जो है वो मनुष्य के निर्माण की ही होनी चाहिए, और वो यात्रा तभी सफल होगी जब वो धर्म की बात आप भले ना करें, अध्यात्म की बात करने के बगैर आपकी वो संभव नहीं है ये। तो फिर मैंने वो स्पेस, फिर दूसरी तरफ पूरी शिक्षा व्यवस्था मुझे नाकाफी लगती रही। कॉलेज में पढ़ाने के बाद मुझे लगता था ये बच्चे, मैं इनको ये टेक्स्ट पढ़ा देती हूँ, ये कविता भी पढ़ा देती हूँ, भक्ति आंदोलन के बारे में भी पढ़ा देती हूँ, लेकिन उसका असर क्या है? ये बच्चे क्या अपनी जिंदगी को सुंदर बना पाएंगे? क्या वो अपने आप को जान पाते हैं? क्या वो अपनी अपनी अपने स्ट्रेंथ को, मतलब बहुत सतही ढंग से भी बात करें तो क्या वो अपने स्ट्रेंथ को जान पाते हैं? क्या वो अपनी चैलेंजेस को जान पाते हैं? और इन सब पे मैं काम करना चाहती थी इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के, लेकिन इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल स्पेस नहीं था। और फिर इसी बीच कबीर यात्रा जाना हुआ मेरा, राजस्थान कबीर यात्रा, और वहां से चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हुई और भक्तिवर्सिटी बनी। और भक्तिवर्सिटी में मेरे सारे कॉलेज के मेरे साथी हैं, विद्यार्थी लोग हैं, और बहुत सारे, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन अभी एक छोटा सा कुनवा है, और जिसमें हमने कोशिश की कि हमारा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होगा। प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि फिर सब झूठा हो जाएगा। अगर हम प्रोसेस में फोकस नहीं करते हैं तो सब झूठा और बेमानी है। तो हमने ये कोशिश की कि हम इसको 100% ट्रांसपेरेंट रखेंगे प्रोसेस को, और दूसरा अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करेंगे। हमने क्या किया कि प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और भक्तिवर्सिटी की प्रक्रिया में हमने ये तय किया कि हम बेशर्त मोहब्बत और पूरी तरह से पारदर्शिता, 100% पारदर्शिता और बेशर्त मोहब्बत पे इस प्रक्रिया को रखेंगे। और हमने पूरी कोशिश की, और उसके बहुत सारी चुनौतियां भी आई, और जाहिर है कि चुनौतियां मुझे ही चलनी पड़ी, पर कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इन 2 सालों में मेरे अंदर की ताकत बहुत आई, मेरे अंदर बहुत साहस आया। और मैंने मतलब मुझे लगा, अभी भी मुझे लगता है कि हम सब लोग, मैं ही नहीं, हम सब लोग ये अपने होने का 5% भी खुद ना तो खुद जानते हैं, ना ही समाज के लिए, खुद के लिए उसको अनफोल्ड कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस रहा हमारा, प्रक्रिया रही अनकंडीशनल लव की, और साथ में 100% ट्रांसपेरेंसी की। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी कि मुझे लगा कि हमारे पास भक्ति आंदोलन का इतना बड़ा विरासत है जिसने सभी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को, क्लासिकल सिस्टम को, मतलब जो भी फ्यूडल स्ट्रक्चर था सबको इतनी मतलब तेजी से धक्का दिया और उसको तोड़ दिया। और वो अखिल भारतीय आंदोलन है, उसमें क्या नहीं है, उसकी डाइवर्सिटी में मुझे लगता है कि अगर कोई एक हिस्ट्री में एक पीरियड हो जो पूरी तरह से भारत के सुंदर छवि को, रंगीन छवि को पेश कर सकता है, तो वो भक्ति आंदोलन है। मतलब एक तो लंबा टाइम पीरियड संगम काल से शुरू होता है, वो 6वीं शताब्दी से तमिल भाषा में, और वहां से शुरू होके आपकी यहाँ पे 16वीं 17वीं शताब्दी तक आ जाता है, 18वीं शताब्दी तक आ जाता है, उसकी खुशबू वहां तक चली आती है। सभी पहली बार वर्नाकुलर, जिसको कि मैं वर्नाकुलर नहीं लैंग्वेज ही बोलती हूँ एज, कि वो सभी भारतीय भाषाओं में, मतलब पहली बार है कि दलित है, सारे कामगार कम्युनिटीज जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो मतलब साहित्य की रचना करते हैं। मतलब
कितना सुंदर है और कोई किसी भी तरह का भेदभाव, सबको सबको प्रश्नांकित किया जाता है और ये इतना सुंदर। लेकिन हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में तो नफरत की ही बात होती है। इस खूबसूरत, इस मोहब्बत की बात को हम क्यों नहीं फैला पा रहे हैं? तो ये कॉल और अभी जो हमारे देश की, अब बल्कि पूरे विश्व की जो चुनौती है कि हमने इतना गहरा पोलराइजेशन होता जा रहा है और नफरत की बात, हम जो बहुत सद्भाव से भरे लोग हैं वो लोग भी तो नफरत की ही बात करें, कह रहे यहाँ नफरत हो रहा है, नफरत खत्म करो। लेकिन नफरत की बात करके केवल नफरत खत्म नहीं की जा सकती, आपको मोहब्बत की बात करनी होगी, मोहब्बत की खुशबू फैलानी होगी। और भारत इतना समृद्ध है, उस थाती को आपके पास हीरे ही हीरे हैं, आपने एक बक्सा में बंद करके छोड़ दिया है, टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हो तो वो हीरा से पत्थर हो जाता है, क्योंकि फिर आप उसी मॉडर्न फ्रेम में, मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी के साथ, उसके साथ जो बर्ताव करते हो, तो कबीर बेचारा तो कब का मर चुका उसमें, मीरा कब की मर चुकी। और हम कबीर और मीरा की क्यों बात करें? हमारा जो एक तरह से भारत का जो की जो बहुवाचिकता है, इतना सुंदर राग में, इतने सुंदर स्वर में भक्ति आंदोलन में बोलता है कि, और ये केवल भारत उपमहाद्वीप की ही बात नहीं है, चाहे मीरा हो, चाहे अमीर खुसरो हो, चाहे कबीर हो, उन सबको जब हम टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं और ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अंदर पढ़ाते हैं तो उनके एसेंस के, उनके सत्व की हत्या हो जाती है। अब इस बात को मैं कैसे समझाऊं आपको कि जैसे मैं क्लास में जब मीरा का टेक्स्ट होता है, अमीर खुसरो का होता है, विद्यापति का होता है, कबीर का होता है, सूर का होता है, ये सारे, और अब तो मतलब हिंदी साहित्य में भी भारतीय साहित्य के अंतर्गत लल्ले, दक्का, महादेवी, इन सबको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब हम टेक्स्ट के रूप में पढ़ाते हैं तो बच्चे, हमारा जो पढ़ाने की शैली है उसमें हम उसका भावार्थ बता देते हैं, बच्चे भी सोचते हैं एग्जाम में आएगा इसलिए हम उसको रट लेते हैं, लेकिन उसका जो एसेंस है उसको महसूस नहीं कर पाते कि मीरा होना क्या है, अमीर खुसरो होना क्या है, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की कैसी प्रीत रही होगी, ये बात समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप एक ही टेक्स्ट को गहरे डूब के जीवन के विभिन्न प्रसंगों से बात करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, और फिर तब जब उनको आप निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके उनकी कव्वालियां सुनो, और जब वो वहां से मेहनत करके जाते हैं, वहां के वातावरण को देखते हैं और आके जब कोई बात, और फिर कहती हूँ मैं कि आप बस मन की बात लिखो कि तुम निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे गए, अमीर खुसरो की भी दरगाह पे गए, वहां जाके तुमने क्या महसूस किया, उस यात्रा को तुम लिखो, या तुम कबीर को पढ़ना है तो तुम जाके गुरुद्वारे में शब्द सुनो, और तुम्हें पता है कि गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर हैं और दादू भी हैं और रैदास भी हैं, और तुम जाके उसको अनुभव करो, और फिर उसके बाद तुम सोच के देखो, और फिर कभी ये भी सोचो कि कबीर अगर तुमसे आए तो, मिलने आए तो तुम उससे क्या बात करोगे। तो इस तरह से उनका जो कनेक्शन बनना है, या तुमको क्या लगता है कि अगर तुम्हारे अभी के जीवन में तुम्हारी क्या चुनौती है, तुम उसके बारे में किससे बात करना चाहोगे? कबीर से बात करना चाहोगे या सूदा से बात करना चाहोगे, या प्रेम के बारे में जो तुम्हारी चुनौती है वो क्या मीरा को जानने से प्रेम को समझ, प्रेम समझ में आता है, या कबीर का कोई पद पढ़ने से प्रेम समझ में आता है? तो हम इसी बहाने घंटों घंटों बात करते हैं, तो लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है और हमेशा नहीं हो पाता। तो वो जो कमी थी ना उस स्पेस में, उसको पूरा करना भी भक्ति वर्सिटी का एक तरह से उसको पूरा करने के लिए भी भक्ति वर्सिटी की शुरुआत हुई। आपके स्टूडेंट्स जब ये पूरे अनुभव करते हैं, उसमें से जो हम जिस हिंसा के माहौल में हम लोग जी रहे हैं उसके बारे में भी सवाल उठते होंगे, बिल्कुल, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, और इस चीज को आप कैसे देख रही हैं कि ये जो पूरी जो प्रेम की परंपरा है भक्ति की, वो हमारी आज के हिंसा से जूझने के लिए क्या एक, आप उसको एक साधन देख रही हैं कि एक मार्ग है, कैसे आप इसको देखती हैं? मुझे लगता है कि हम हिंसा, अहिंसा की हमारी बहुत लंबी जो परंपरा है, हम कम से कम गौतम बुद्ध से तो याद कर ही सकते हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, फिर आके हम पूरे विश्व की बात करें तो
यहाँ गांधी तक आती है और हमारे यहाँ वैष्णवता की अवधारणा में हमेशा रही है। और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा आधुनिक राष्ट्र है, एक तरह से जो पूरा पुनर्जागरण का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो वैष्णवता यानी कि अहिंसा की जो अवधारणा है, जिसमें मानुष प्रेम है, जिसमें किसी भी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाने की बात है, मदिरा और मांस के सेवन की नहीं बात है, इस तरह की सारी बातें, तो हमारी जो राष्ट्रीयता की परियोजना थी उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि इस भाव को ट्रांसलेट कर दिया गया और वहां से ईश्वर जो भगवत प्रेम था, ईश्वर प्रेम था वैष्णवता में, उसको हटा के राष्ट्रीयता ला दिया गया। तो ये जो वैष्णवता एक तरह से कह सकते हैं हमारे राष्ट्रवाद के अवधारणा में भी अवधारणा में है। फिर हम जब गांधी पूरी हमारी लड़ाई इसके आधार पे लड़ी गई, फिर हम आते हैं तो हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया उसके मूल में भी दो, मुझे लगता है कि दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहिंसा का और दूसरा टॉलरेंस का, है ना, सहिष्णुता का। लेकिन मुझे लगता है कि और अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे से कहा, हमारे इतिहास में पूरा उदाहरण है कि हमको अगर भारत का पुनर्निर्माण करना है तो उसके लिए रास्ता अहिंसा ही है। और हम अंबेडकर, मतलब गांधी और अंबेडकर के जीवन को हम देखते हैं कि वो पूरा अहिंसा का उदाहरण है। अंबेडकर जब महाड़ आंदोलन कर रहे होते हैं 1927 में और उनको बहुत गहरी चोट लगती है, तो उनके सारे जो सारे साथी हैं वो कहते हैं कि आप एक बार इशारा कीजिए तो हम इस हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि और लंबी लड़ाई लड़ते हैं कानूनी लड़ाई न्याय के लिए। तो पूरी की पूरी परंपरा हमारे राष्ट्रीयता की नींव ही पड़ी है अहिंसा के विचार पे, लेकिन ये बीच में गड़बड़ी हुई है। और मुझे एक लगता है कि टॉलरेंस शब्द जो है ना वो हमारी परंपरा में वो मुझे बहुत जचता नहीं है। तो अहिंसा, भक्ति, टॉलरेंस, इन सब शब्दों को लेके सोचे तो टॉलरेंस जो है, सहिष्णुता क्या, सहना, सहना क्या होता है, दर्द होता है तो हम सहते हैं ना, दर्द को सहा जाता है, लेकिन दर्द को सहेंगे तो कभी दर्द इतना हो जाएगा कि सहने से बाहर चला जाएगा ना, तो हम असहिष्णु हो जाएंगे। लेकिन क्या हम टॉलरेंस की जगह एक्सेप्टेंस शब्द को ला सकते हैं अपने जीवन में, अपने सिद्धांत में, कि स्वीकार्यता, स्वीकार में दर्द नहीं है, है ना, वो प्रेम से पहले की सीढ़ी है एक तरह से, लेकिन वो भी कम पड़ता है। प्रेम उस वो अल्टीमेट रास्ता है जिसके जरिए हम अहिंसा को पा सकते हैं, और वो प्रेम हमें भक्ति का मार्ग जो है वही प्रेम सिखाता है। अब जैसे अहिंसा और भक्ति के बारे में मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि आप देखिए ना कि भक्ति मतलब ईश्वर का प्रेम। अब ईश्वर का प्रेम जो है, ईश्वर के प्रति प्रेम जो है, ऐसा गहरा कुआं है जिसमें सारे भाव समा जाते हैं, अहिंसा समा जाता है, मनुष्य के प्रति प्रेम समा जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर भक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम अगर साध्य है तो अहिंसा उसका साधन है। और मैं यही सोच रही थी कि अहिंसा भक्ति का साधन भी है और अहिंसा भक्ति का बाई प्रोडक्ट भी है। आप उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि आप देखिए, जब आप ईश्वर के प्रति प्रेम का मार्ग चुनते हैं तो ईश्वर, अब कहते हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो सभी संसार में अगर ईश्वर है तो तुम किसके प्रति हिंसा करोगे? जो तुम्हारा प्रेमी है, प्रेमी के प्रति तो हिंसा नहीं कर दोगे। तो आप जैसे कि आप सामान्य जीवन में देखिए कि आप जैसे प्रेम करते हैं तो उसका कुत्ता भी प्यारा लगता है, उसकी बिल्ली भी प्यारी लगती है, उसके माँ बाप भी प्यार, मतलब प्रेम में जब होते हैं, बाकी बात छोड़िए, आपका जो आराध्य है वो पूरे संसार उसका मैनिफेस्टेशन है, तो आप किसके प्रति हिंसा करेंगे? अब जब आपको वो मिल गया, आपका आराध्य, आपका प्रेमी मिल गया, तो अब उसके भीतर सारा संसार है, तो फिर आप मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो फिर अब आप कैसे करेंगे हिंसा? तो वो बाई प्रोडक्ट हिंसा है। तो मुझे लगता है कि हिंसा साधन भी है, भक्ति का बाई प्रोडक्ट भी है, और अहिंसा को मुझे लगता है कि अहिंसा बिना प्रेम के संभव नहीं। आप अपने ऊपर आरोपित करते हैं विचार के रूप में, दर्शन के रूप में, तो आप हमेशा व्यवहार के रूप में नहीं उसको लागू कर सकते हैं। अगर आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना है तो वो प्रेम ही हो सकता है, और प्रेम वो जो कि आपको एकत्व की ओर ले जाता है, और छोटे छोटे प्रेम वो
छोटे छोटे पड़ाव हैं जो एक दिन आपके भीतर सकल को संभव बना देता है। कि शायर ने कहा है ना कि दिल में है तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई देख के, जब उसको एक बार देख लिया ना तो फिर बार बार, मतलब मनुष्य होने की जो कमजोरियां हैं वो आती हैं बार बार, आपको कमजोर बनाती हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द का परिवेश तो नहीं बदला है ना, वो बार बार आपको आरोपित करता है कि ये सही है, ये आपको ये पाना है मनुष्य के रूप में, ये करना है, लेकिन बार बार आपको, इसीलिए बुद्ध का जो सचेतनता है, जो उसकी अवेयरनेस है, जो उसका माइंडफुलनेस है, वो आपको फिर इसमें मदद करता है कि हमेशा हर पल सजग रहना है, सचेत रहना है। तो मेरे लिए तो अहिंसा जो है ना वो प्रेम ही है और भक्ति भी प्रेम है। जी जी, तो भक्ति वर्सिटी का फिर कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहा है? आप वर्कशॉप्स करती हैं, मैं वो मैं जानती हूँ, थोड़ा उनके बारे में बताइए। और संगीत पे जो बहुत आपका जोर है, तो ब्रीफली व्हाट इज द वर्क ऑफ भक्ति वर्सिटी? और संगीत के प्रति मेरा बहुत लगाव था, और बाद में मुझे ये लगा कि और मैं जो जितनी भी भक्ति के गीत है, अगर मुझे सबके सब याद है, तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी रोज सुबह उठ के अपने पुराने रिकॉर्ड प्लेयर में रिकॉर्ड्स चलाते थे, उसमें डीबी पुलस्कर के सारे भजन, सुबह लक्ष्मी के सारे भजन, मतलब सब बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स के जो भजन है ना, वो सुन सुन के मैं बड़ी हुई। और मुझे लगा कि वो वही पद मुझे बहुत अच्छे से याद भी रहे, और उसका एसेंस भी वो संगीत के माध्यम से मेरे भीतर गया। और ये बात फिर से मैंने इस बात को रिविजिट किया वहां पे कबीर यात्रा में, कि कबीर यात्रा में 5 दिन 4 दिन जब आप दुनिया भर के, देश भर के सारे लोक कलाकारों के जरिए भक्ति के कबीर को और सारे सूफी फकीरों को और भक्तों को के पद सुनते हैं, तो आप एकदम दूसरे माहौल में चले जाते हैं। और वहां मैंने मतलब बहुत युवा लोगों को भी देखा कि कैसे उनके अंदर कुछ स्फूर्त जागरण होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, संगीत में बहुत ताकत है। और मेन, मैं कुछ लिख देती हूँ भक्ति आंदोलन के बारे में तो कुछ लोग पढ़ेंगे, है ना, लेकिन ये बात तो घर घर पहुंचनी है, एक जुगनू घर हर घर में जाके रख देना है, एक दिया हर घर में जला के रख देना है, तो वो जुगनू कैसे आप हर घर में पहुंचाएंगे, दिया कैसे जलाएंगे? तो उसके लिए मुझे ये लगा, क्योंकि अंधेरों को तो दूर करना है ना, तो फिर वो अपने आप ही, और पता है ये प्लानिंग से नहीं हुई, सबसे सुंदर बात है कि इतने प्राकृतिक ढंग से हुई कि हमने और शुरुआत फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही हुई कि 8 मार्च को हमें वुमेन्स डे मनाना था, तो हमने ये शुरुआत की कि हम थेरी गाथा से लेकर, थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों से लेकर और 18वीं शताब्दी तक जो सहजोबाई हुई है भक्ति आंदोलन की, उन सब की कहानियां सुनाएंगे, नैरेट करेंगे, उनकी अपनी भाषा में टेक्स्ट पढ़ेंगे और उनके पदों को अनुवाद करके फिर उसको कंपोज करके गाएंगे भी, तो और नाटक भी करेंगे। तो कॉलेज के विद्यार्थियों ने नाटक की टोली बनाई, हमने पहला प्रोग्राम किया तो थेरी गाथा पे नाटक किया, फिर चंडीदास को हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन चंडीदास को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाले चंडीदास, उनकी जो प्रेमिका जिन्होंने उनको मनुष्यता का पाठ पढ़ाया, रामी, उनको नहीं जानते, हमने रामी पे नाटक किया। हाँ, और वो धोबन थी, विधवा थी, तो कितने सारे लांछन उनके जीवन में थे, तो हमने ओ बीरी उस कार्यक्रम का नाम दिया, ओ बीरी एक थेरी का नाम है, और हमने नाटक किया, म्यूजिक किया, म्यूजिक में हमारे साथ राइजिंग मलंग के एक प्रभजोत सिंह प्रभु हैं, उन्होंने उसमें साथ दिया, और तो और उसके बाद अक्का महादेवी कर्नाटक की, उनके ऊपर हमने बातचीत की, बांग्ला में रामी के ऊपर किया, और कश्मीरी में ललदेव के ऊपर किया, मराठी में जनाबाई के ऊपर किया, और सारे के सारे यूथ थे, कॉलेज के विद्यार्थी, टीचर्स, और मतलब कैसे हम यूथ को रिजेक्ट कर देते कि उनको ये पुरानी बातें पसंद नहीं आएंगे, समझ में, सब आला दे, खुश मगन, और वहां से वो यात्रा एक शुरू हुई, तो फिर आगे बढ़ती चली गई, और हमने पिछले 1.5-2 साल में काफी सुंदर सुंदर काम किए। और इसी तरीके से हमने फिर राबिया के ऊपर 2 घंटे का प्रोग्राम उनके, तो हमारा बेसिकली फॉर्मेट ये होता है कि हम उनके जीवन पे नाटक तैयार करते हैं, फिर बातचीत के जरिए उनके जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं और उनको वो हमारे आज के जीवन से कैसे संबद्ध हैं, उनको मतलब एक तरह से किस्सा कोई नहीं कहें, लेकिन हाँ कहानी कहन जैसा ही होता है वो, और वो सुनाते हैं, और बीच बीच में फिर वो गीत चलता रहता है, तो
तो ट्रांसलेशन, स्टोरी टेलिंग, नरेशन कह सकते हैं उसको, और नाटक तैयार करना, नाटक करना, ये सारे के सारे मतलब एक तरह से, क्योंकि फिर वो संगीत के साथ वो अपने साथ ही ले जाते, उसका अनुभव इतना सुंदर है कि हमारे प्रोग्राम में धुर दक्षिण पंथी भी आते हैं और धुर लेफ्ट के भी आते हैं, और दोनों के एक ही से एक जैसे अनुभव होते हैं। तो मनुष्य तो फिजिकली एक है ना अपने ऊपर चादरें डाल डाल के वो अपने को अलग बना लेता है, लेकिन सब तो है एक ही। बहुत खूब। तो जो लोग इन आप जो अनुभव तैयार लोगों को ये अनुभव करवाने की, और इन अनुभवों से जो लोग अपरिचित रह जाते हैं, जो आपके इन कार्यक्रमों में सहज रूप से नहीं जुड़ पाते, उन लोगों के लिए आप क्या विचार रखेंगी कि ये जो पूरी विरासत है जो आप जी रही हैं, जिसके साथ आप इतनी लगन से आप और जोश से आप काम कर रही हैं, उसमें से निकलते हुए क्या आप कुछ क्या कहेंगे, या अंग्रेजी में हम कहेंगे टिप्स, कैसे आप उन क्या सुझाव देंगी आप लोगों को जो हिंसा से घबराए हुए हैं लेकिन उनको ये भी लगता है कि अहिंसा संभव नहीं है। असल में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अपने प्रति हिंसा करना छोड़ना होगा। जब हम अपने प्रति हिंसा करना छोड़ देंगे ना, तो हमको लगेगा कि हाँ अहिंसा संभव है, क्योंकि अभी पूरा परिवेश जो है बहुत विषाक्त हो रहा है, बहुत ही टॉक्सिक हो रहा है, और तरह तरह के भय हैं। मतलब ये जो डर भी है, चाहे वो कोरोना का डर है, चाहे इससे पहले धार्मिक उन्माद का डर था, चाहे हम स्त्री होने का भय है, जो तरह तरह के आइडेंटिटीज से और तरह तरह की परिस्थितियों से जुड़ी हुई जो डर है ना, वो भी एक तरह का की हिंसा है। जरूरी नहीं कि ये हिंसा हमने खुद अपने लिए तैयार किया है, लेकिन हमको परिवेश से तो मिल रहा है ना, तो उस परिवेश से मिले हिंसा से अपने को कैसे मुक्त कर सके। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहला टिप्स तो ये है कि कम से कम हम सोशल मीडिया पे जाए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना कि अभी चूंकि हम सोशल मीडिया पे एक मुहिम भक्ति वर्सिटी का हमने चला रखा है, तो बार बार मुझे जाना पड़ता है, वीडियोस वगैरह हम पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मैं बीच बीच में बिल्कुल साइलेंस में चली जाती हूँ, क्योंकि वहां पे इतना दुख है और लोगों को लगता है कि दुख पे बात करके या हिंसा पे बात करके हम हिंसा को कम कर देंगे, दुख की बात करके दुख को कम कर देंगे, लेकिन नहीं है ना। आपको अंधेरे के बारे में बात करके अंधेरा नहीं दूर कर सकते, हमको अंधेरे के को दूर करने के लिए छोटा सा दिया जलाना होगा। तो हर तरह की जो हिंसा है उससे पहले तो अपने को बचाना बहुत जरूरी है। उसमें संगीत मदद कर सकता है, प्रकृति मदद कर सकती है, और एक तरह से आप देखिए ना, हर चीज जो है जो आपको अपने से कनेक्ट कर देती है, वो एक तरह से वो अहिंसा ही है, वो प्रेम ही है। आप किसी से बात करके अगर आप अपने से कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो भी एक तरह की अहिंसा है, जो आप अपने को उपहार में दे रहे हैं, तब आप अपने को प्यार कर रहे हैं। तो वो सारे तरीके हर किसी की अपनी यात्रा ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया पे आप पॉजिटिव चीजें स्प्रेड करना शुरू करें। जो लोग बहुत बहुत मेरे भी बहुत अच्छे वैचारिक, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि वो कितने सद्भाव से करते हैं, लेकिन वो उनकी सद्भावना से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो बहुत प्यार के साथ अगर उनको समझा सकते हैं तो समझा दें, नहीं समझा सकते तो उनको अनफॉलो कर सकते हैं। मैं करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, और इस बात की परवाह किए बने कि आपकी कोई आइडेंटिटी, जैसे कि मुझे कई बार बोलते हैं मेरे दोस्त, कहते हैं क्या आप तो ओशो हो गई, मतलब आप एकेडमिक नहीं रही, आप ओशो हो गई, आप में वो एक्टिविस्ट वाला जो तेवर था वो नहीं रहा। तो ये सब अनुभव करने के बाद लगा ना ये नाकाफी है, इसे ना तो मैं खुद को बचा पा रही हूँ, ना ही दुनिया के लिए कुछ सुंदर कर पा रही हूँ। तो ये रास्ता प्रेम का रास्ता है, प्रेम इतना सहल नहीं है, लेकिन प्रेम इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सारे भक्त कवियों ने कहा है ना कि सहजता ही रास्ता है। अब हम सब जो है ना, अब कबीर का वो पद मुझे याद आ रहा है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, जैसे अभी मैं अपने उन साथियों के बारे में सोचती हूँ तो यही पद मुझे ख्याल आता है कि मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुलझावन हारी,
तू रहता उलझाई रे, मैं कहता निर्मोही भयो, तू करता है मोही रे। तो ये जो मोह करना है, ये डरने की जो बात है, ये जो उलझाने की बात है, उससे मुक्त होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने को हर छवि से के कैद से मुक्त कीजिए। अगर आप अपने को किसी न किसी छवि में रखेंगे तो वो आपकी सीमा बन जाएगी। जब हम कोई चीज तय कर लेते हैं कि मुझे ये पाना है ना, तो वो बहुत सारी सीमाएं बन जाती है और वो अपने प्रति एक तरह की हिंसा है। तो जिन लोगों तक ये खुशबू नहीं पहुंच रही है, पहले तो अपने को हिंसा से, हर तरह की हिंसा से मुक्त करें और अपने को एक्सेस करना शुरू करें। जब हम, जैसे कि मैं बताऊं कितना, मतलब ये 2 साल की यात्रा, मुझे एक पल भी नहीं लगा कि किसी के बिना ये काम नहीं हो सकता है। मुझे हमेशा लगा कि अगर मेरा इंटेंशन सही है और सच में मैं प्यार के पैगाम के साथ इस काम को कर रही हूँ, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रही हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ ये है कि मैं खुद ही प्रेम में हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं प्रेम की दरिया हूँ। तो जब मैं खुद ही मुसलसल प्रेम हो गई, तो फिर बचा क्या जो मुझे पाना है। ये मोमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस एक फेज होता है, मैं ये क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन वो मोमेंट्स आते हैं, बीच में आप डाउन भी जाते हैं, लेकिन फिर उस मोमेंट को आप फिर से वहां पे पहुंच जाते हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो उसको करना है, अपने को एक्सेस करना है। और कोई भी हो, किसी के लिए भी, चाहे जो अच्छा कर रहा है चाहे वो बुरा कर रहा है, मुझे लगता है कि प्रेयर बहुत काम की चीज है। दुआ करना कि हम आलोचना करें लेकिन उसको कितना कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को हम कैसे थाम सकते हैं। मतलब किसी को अगर हमको बदलना है तो आलोचना से शायद हम नहीं बदल पाएंगे, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन बदलने के लिए हमको बहुत धीरज की और प्रेम की जरूरत है। और प्रेम होगा तो मुझे लगता है धीरज भी आ ही जाएगा। बहुत मुश्किल है और एक तरह से कहें तो बहुत आसान भी है। तो धीरे धीरे सब छोड़ देना है ना, और जब छोड़ देंगे तो बहुत कुछ मिलने लगेगा, बहुत कुछ पाना हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।